Hey guys, welcome to my channel That Glam Girl. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विटामिन सी फेशियल. विटामिन सी से क्या आपको पता है गाइस, आपका फेस कितना क्लियर एंड ग्लोइंग बनता है. ऑल्सो गाइस, आपने ऑरेंज पील यानी कि ऑरेंज का जो कवर होता है उसके बारे में तो सुना ही होगा कि उससे आपके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, फेस की पिगमेंटेशन होती है वो हटती है. ऑल्सो आपके पिंपल्स एंड एक्ने भी हटा सकता है ये. सो ऑरेंज पील गाइज यूज करने में, उसका पाउडर बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ ऑरेंज पील पाउडर. ऑरेंज पील जो होता है उसे बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैंने यहाँ नेचुरल पाउडर लिया है उसका. इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. जो मैं यहाँ से नेचुरल पाउडर लेती हूँ वहाँ से ही आप ले सकते हैं, वो आप ज़रूर चेकआउट करें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें, उसमें इस पाउडर का लिंक है. इसको क्या करूँगी मैं, इसका 1 स्पून ले लूँगी ऑरेंज पील पाउडर का, और इसे एक एम्प्टी बोल में लेके उसे इसमें डाल दूँगी. इसके बाद मैं क्या करूँगी गाइस कि 1 चम्मच लूँगी दही का, विच इज़ कर्ड, और इसका भी 1 चम्मच मैं इस बोल में डाल दूँगी. इसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हमें इसे अपने चेहरे पर लगाना है. तो ऑरेंज पील, जैसा कि आपको पता है, ऑरेंज का जो छिलका होता है वो आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है. ये जो है आपकी स्किन को क्लियर ग्लोइंग बनाने के साथ साथ इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे आपकी स्किन के लिए, और एक ही बार में ये रिजल्ट दिखाएगा. एक ही बार में आपके फेस को काफ़ी क्लियर एंड ग्लोइंग तो बनाएगा ही, बट इसके साथ साथ अगर आपको परमानेंट रिजल्ट्स चाहिए तो आपको ये मास्क रोज़ लगाना पड़ेगा. हफ्ते भर में ही आप देखेंगे आपकी स्किन की जो कंडीशन है वो 90% चेंज हो जाएगी. तो इस मास्क को आपको यूज़ करना है अगर परमानेंट रिजल्ट्स चाहिए तो, और एक ही बार में भी आपके फेस को काफ़ी ज़्यादा ग्लो देगा. अब इसे लगाने के बाद आपको इस तरीके से इसे स्क्रबिंग करनी है, सर्क्युलर मोशंस में इसे रब करना है. इससे क्या होगा, आपकी डर्ट जितनी भी है, ब्लैक हेड्स है, वो हट जाएंगे आपके फेस से. इसके साथ साथ ये आपके फेस की सन टैन को रिमूव करेगा. आपके जो फेस है उस पर कोई भी डार्क स्पॉट्स, डार्क धब्बे हो रहे हैं, अगर आपके जो डार्क पैचेस हो रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रहा है, उसे हटाने में ये बहुत यूज़फुल रहेगा. इसके अलावा गाइस, ऑरेंज आपको पता है आपका जो फेस होता है उसको यंग एंड यूथफुल बनाने में बहुत हेल्प करता है, तो आपकी स्किन को टाइट बनाएगा, आपकी स्किन को रिंकल फ्री भी बनाएगा. तो अब इसे इस तरीके से आपको स्क्रब करने के बाद छोड़ देना है 10 मिनट तक. 10 मिनट तक ऐसे ही इसे रहने दें, और फिर पानी से या किसी फेस वॉश से अपना फेस धो लें. उस तरीके से ही यहाँ मैंने किया है, आप देख सकते हैं एक ही बार में मेरी स्किन में डिफरेंस. ये 100% इफेक्टिव है आपकी स्किन को क्रिस्टल क्लियर एंड ग्लोइंग बनाने में. 90% आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स इससे हट जाएंगी, और परमानेंटली यूज़ करने से 100% आपकी स्किन डेफिनेटली क्रिस्टल क्लियर एंड ग्लोइंग लगेगी. तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, और इसे रोज़ करें अपने परमानेंट रिजल्ट्स के लिए. So guys, I hope you like this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, just like this video and subscribe to my channel. And guys, make sure to comment done. अगर आप लोग चाहते हैं आप सब में से किसी एक पर्सन का नेम मेरी आने वाली वीडियोस में लूँ, आज जिस गर्ल का नेम मेरी वीडियो में लूँगी वो है मानसी शर्मा. So shout out to you girl, and I'll see you guys in my next video. Bye guys.